जहां प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर उन्हें पढ़ने पर जोर दे रही है, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चे पढ़ पाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वहीं महाविद्यालय प्रबंधन फीस बढ़ाकर उनके अरमानों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के बड़पुर में स्थित सिद्धार्थ महाविद्यालय द्वारा छात्रों से निर्धारित फीस के बजाय अधिक से अधिक फीस वसूले जाने का है, जिसकी लिखित शिकायत व्यक्तिगत छात्र सुशील कुमार मिश्र बीए द्वितीय वर्ष ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुलपति से एवं जन सुनवाई पोर्टल पर की है। छात्र ने सिद्धार्थ महाविद्यालय के प्रबंधक पर जबरिया धन उगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 2,361 रुपये मात्र है, जिसके एवज में छात्रों से 5,500 रुपये लिए जा रहे हैं। उन्होंने जब प्रबंधक से आपत्ति जताई तो उनसे 5,500 रुपये की जगह 4,500 रुपये प्रवेश फार्म का 100 रुपये कुल 4,600 रुपये ले लिया गया। छात्र सुशील कुमार एवं सिद्धार्थ महाविद्यालय के छात्र नेता शाह मोहम्मद एवं एबीवीपी संयोजक महेंद्र प्रताप चौधरी ने संयुक्त रूप से उक्त विश्वविद्यालय पर कुलपति से कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों का यह भी कहना है, यदि 5 अक्टूबर तक कोई महाविद्यालय पर कार्रवाई नहीं हुई तो एबीवीपी के बैनर तले समस्त छात्र संगठन 6 अक्टूबर से विश्वविद्यालय के परिसर में धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। इस संदर्भ में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुल सचिव यूपी सिंह का कहना है कि छात्र सुशील कुमार मिश्र द्वारा सिद्धार्थ महाविद्यालय बड़पुर में अधिक फीस लेने की शिकायत आईजीआरएस पर की गई है, जिसको संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थ नगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। प्राइवेट बीए का 5,500 रुपया लिया जा रहा है फीस, और प्लस 100 रुपया जो है प्रवेश फार्म का लिया जा रहा है। हम जो है 30 अगस्त को गए एडमिशन करवाने, वहाँ प्रबंधक के भाई हैं रवि श्रीवास्तव, उनके द्वारा जो है 5,500 रुपये की डिमांड किया गया। तो जब हम 2,361 कहने लगे तो झल्ला उठे और हमसे जो है 4,600 रुपया लिए, पर्ची मांगने लगे कि इसका रसीद दीजिए, शुल्क दे रहे हैं जब, तो कहें रसीद नहीं मिलेगा। पावती रसीद पर जो है 4,500 रुपया लिख कर दिए। इनके यहाँ हर चीज़ में जो है लिया जा रहा पैसा, मार्कशीट की 200 रुपया लिया जा रहा है, उसके बाद चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट, जितना फीस है उसका 2 गुना 2.5 गुना लिया जा रहा है, सभी बच्चों से लिया जा रहा है। और जब कहना कि इतना विरोध करने पर कहा जा रहा है कि इतना फीस है 2,361 क्यों इतना ले रहे हैं, तो झल्लाने लगते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ एडमिशन करवाना हो तो इतना लगेगा, नहीं तो जाइए जहाँ शिकायत करना हो करिए, मेरा कुछ नहीं होगा, हम निपट लेंगे, नीचे से ऊपर तक हमको मैनेज करना रहता है। सिद्धार्थ महाविद्यालय बड़पुर में जिस तरीके से आए दिन धनुगाही किया जा रहा है, 2,361 रुपये फीस है, 4,500 रुपया लिया जा रहा है, उसके बाद फॉर्म का भी 100 रुपया लिया जा रहा है। अगर हम आदरणीय कुलपति जी से निवेदन करते हैं, अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हम समस्त छात्र छात्र नेता सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कैंपस में 6 तारीख को धरने के लिए बाध्य होंगे। कार्रवाई की जा रही है या आपको एप्लीकेशन मिला है या नहीं संबंधित सर? IGRS पर एक सुशील कुमार मिश्रा जी का प्रार्थना पत्र आया है ऑनलाइन, उसके क्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को जांच दी गई है कि वो उसको जांच करके कार्रवाई करें और अपनी कृत कार्रवाई से विश्वविद्यालय को अवगत कराएं।